सो आज हम केमिस्ट्री का यूनिट 5 स्टेट्स ऑफ मैटर लेकर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने गैसेस के साथ जो हमारा टॉपिक था वो आपने स्टडी कर लिया है, तो अभी हम जो काम करेंगे वो हमारे पास है लिक्विड। सो हमारे पास जो लिक्विड है ये एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जो कि गैस और सॉलिड के दरमियान मिलाएगा। इसका मतलब ये है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ना वो प्योरली गैस की तरह की और ना वो प्योरली सॉलिड की तरह। कुछ हिस्सा उन प्रॉपर्टीज में सॉलिड्स का है और कुछ हिस्सा उन प्रॉपर्टीज में गैस का। फ्लूइड लाइक गैस मतलब कि हमारे पास जो लिक्विड है ये भी एक फ्लूइड है। जिस तरह हमने इससे पहले गैस को फ्लूइड का नाम दिया था, इसी तरह लिक्विड को भी हम फ्लूइड ही कहते हैं। ऑफर नो रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन मतलब अगर आप इसको डिफॉर्म करना चाहें, आप इसकी शेप चेंज करना चाहें, तो लिक्विड के अंदर किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस वो शो नहीं करेगा। मतलब आपको उसकी शेप चेंज करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आए, आप इजीली लिक्विड की शेप को चेंज, जबकि सॉलिड की शेप को चेंज आप सॉलिड की शेप को आप चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड की शेप को इन द सेम वे आप गैसेस की शेप को आप इजीली चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई रेजिस्टेंस शो नहीं होगा। डेंसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी इज क्वाइट सिमिलर टू सॉलिड्स नियर दियर मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप सॉलिड्स को उनके मेल्टिंग पॉइंट के करीब लेके चले जाते हो तो जो आपके पास लिक्विड्स होंगे उनकी डेंसिटी और कंप्रेसिबिलिटी ये दोनों आपस में मतलब कि एक जैसी होंगी। सॉलिड्स की उनके मेल्टिंग पॉइंट के करीब और आपके पास जो लिक्विड्स हैं जिस तरह उनकी मेल्टिंग पॉइंट के करीब कंप्रेसिबिलिटी होगी या उनकी डेंसिटी होगी, इसी तरह लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आपके पास ये है कि कॉजेस ऑफ कोहेशन फोर्सेस, जो आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उनकी रीजन क्या होती है? उनकी रीजन आयनिक फोर्सेस हो सकती है। अगर आप मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स को ले लेते हैं, लेट्स से कि आप मोल्टन NaCl को ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड अगर आप उसको मेल्टिंग में ले लेते हैं, तो भाई क्या क्या होगा? NaCl ये आपके पास होगा, सॉरी NaCl Na पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। अब इस केस में ये आपके पास मोल्टन स्टेट में इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। अब इस लिक्विड के दरमियान जब ये इसको आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे लेके जाएंगे तो ये लिक्विड की फॉर्म में बन जाएगा। तो इस लिक्विड के दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो हमारे पास होंगी आयनिक फोर्सेस। मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो आयनिक फोर्सेस होती है। इन द सेम वे अगर आप मेटल्स को ले लेते हैं और उनके मेल्टिंग पॉइंट के करीब आप मेटल्स को लेके चले जाते हैं और उनको मोल्टन स्टेट में ले जाते हैं, उनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस केस में आपके पास मेटेलिक फोर्सेस होंगी, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस का काम कर रही है। हमने कहा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। अब वो फोर्सेस अगर लिक्विड मेटल्स हैं तो मेटालिक फोर्सेस हैं, अगर लिक्विड मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो वो आयनिक फोर्सेस हैं। इन द सेम वे अगर आपके पास वाटर एज ए लिक्विड काम कर रहा है, आपको वाटर को एज ए लिक्विड ले रहे हैं, तो उस केस में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो अट्रैक्टिव फोर्सेस का काम कर रही है। दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो होगी वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेट्स से कि ये हमारे पास H2O है, ये हमारे पास H O, ये तो हमारे पास ये जो लाइंस हैं ये तो हमारे पास क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बन रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां पे एक और ले लें मॉलिक्यूल वाटर का, अब इसके दरमियान और इसके दरमियान ये जो डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट किए, ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स का काम कर रही है। इन द सेम वे वैन डर वाल फोर्सेस इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड, ऑर्गेनिक लिक्विड अगर आप ले लेते हैं, ऑर्गेनिक लिक्विड किस तरह के होते हैं, कौन से होते हैं, कोई एक एग्जाम्पल ऑर्गेनिक लिक्विड। 10th क्लास केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर, चले इसकी 5 एग्जाम्पल्स लिखनी है आपने, ये आपका काम है। ऑर्गेनिक लिक्विड्स के दरमियान जो फोर्सेज होती है वैन डर वाल फोर्सेज होती है जो कि अट्रैक्शन का काम कर रही है। उसके बाद हम आते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर
इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स की काइनेटिक मॉलिक्यूलर, इससे पहले हमने क्या किया था, गैसेस की आपने स्टडी कर ली है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस वो आपने स्टडी कर ली है। मतलब ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन अब आप हम लिक्विड के साथ देखेंगे, उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो उनकी मोशन होती है वो किस तरह से होती है, वो किस तरह उसकी प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट करता है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में बेसिकली आप ये देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी या उनकी मोशन किस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड और सॉलिड्स और गैसेस वो बनाती है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी जो लिक्विड की है वो सॉलिड से बड़ी होती है, ज्यादा होती है, और गैसेस से कम होती है एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर आपने एक जैसा रखा है, अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सॉलिड्स को भी रख देते हैं, लिक्विड को भी रख देते हैं और गैस को भी रख देते हैं, तो आप ये देखेंगे काइनेटिक एनर्जी लिक्विड्स की गैसेस के मुकाबले में कम होगी लेकिन सॉलिड्स के मुकाबले में ज्यादा होगी। इन द सेम वे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ये आईएमएफ से मुराद इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो लिक्विड की वो कम होती है सॉलिड से और गैसेस से भी कम होती है। सॉरी, ये हमारे पास सॉलिड से इसको ज्यादा होना चाहिए, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो सॉलिड से में कम होती है और गैसेस में, गैसेस की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है वो कम होती है और लिक्विड की ज्यादा होती है। इसको आप ऐसे करते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो लिक्विड्स की होती है वो ज्यादा होती है, गैसेस की कम होती है और सॉलिड्स की सबसे ज्यादा होती है, ये इस तरह से होता है। ओके, सो नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर। अब आपके पास जो लिक्विड्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स क्लोज टू ईच अदर होते हैं, मतलब एक दूसरे के करीब होते हैं। करीब होने का मतलब यह है कि गैसेस में बहुत दूर होते हैं, लिक्विड्स में करीब होते हैं और सॉलिड्स में सबसे ज्यादा करीब होते हैं। अब इस करीब होने की वजह से होगा ये कि निग्लिजिबल एम्प्टी स्पेसेस, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं वो बहुत ही कम होंगे। एक बात, डेफिनेट वॉल्यूम, अब उसका अपना एक खास वॉल्यूम भी होगा। जो भी आपके पास लिक्विड है आपको पता है कि ये आपके पास कितने मिलीलीटर है उसका वॉल्यूम, जिस तरह से आप दूध लेके आते हैं तो कितने मिलीलीटर लेके आते हैं, दो किलो नहीं होता, ये बात आपको पता ही नहीं पता। दूध आप लीटर लेके आते हैं, आज तो क्या हम कह देते हैं यहाँ पे एक किलो दूध दे देते हैं, वो किलो नहीं होता, वो लीटर होता है। अब वो जो लीटर होता है वो वॉल्यूम की यूनिट है, वो मास की यूनिट नहीं है। लिहाजा किसी भी लिक्विड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वरना दूध वाले को ना पता चलता कि मैंने इसको कितना डाल दिया है। आगे बात समझते नहीं, गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, ऐसे ही नहीं yes. उसी तरह प्रूव करेंगे इस बात, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर होते हैं, कितने दूर होते हैं, मास भी हो जाती है, जरा हमें एक अंदाजा होना चाहिए कितने दूर होते हैं। लिक्विड्स के मुकाबले में जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं वो कितने दूर होते हैं, दोगुना, कितने, दो गुना। मतलब अगर आपके पास लिक्विड्स के ये दो मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि अगर वही गैसेस होंगी तो वो कितने पड़े होंगे, ऐसे ही, हाँ तकरीबन 10 times। हाँ जी सही, आप अपना मतलब फिर क्या उसको कहते होते हैं कि इनपुट देना आपने गवारा नहीं करते। चल anyway, आप परफ्यूम ले लें, क्या परफ्यूम, उसका एक ड्रॉप निकाल लें, सही हो गई बात करें, उसका एक, कभी मैं कहता हूं आधा ड्रॉप निकाल लें, हाफ उसका जो है आप एक ड्रॉप निकाल लें, कितना कुछ होगा, कितना सा होगा, छोटा सा, बिल्कुल सिर्फ एक मिनट के अंदर अगर ये ड्रॉप यहां से उड़ जाए कि नहीं, मतलब ये लिक्विड था जो कि अब गैस में कन्वर्ट हो चुके हैं, और अगर आप पूरे कमरे के अंदर मौजूद है, सही है, तो क्या कमरे के हर हर कोने में खुशबू आएगी कि नहीं आएगी, छोटे से ड्रॉप, हाँ
इतना हम डालते हैं वो लगाते हैं वो कितना होता है, जितना हम परफ्यूम लगाते हैं कितना होता है, एक ड्रॉप होता है ना, उसे एक ड्रॉप नहीं होता है। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर लिक्विड का वॉल्यूम इतना है, ठीक है, ये डेफिनेट एक उसका वॉल्यूम है, उसके मुकाबले में अगर आप गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस देखना चाह रहे हैं या और इस तरह की चीजें देखने चाह रहे हैं, तो अब आप ये देख लें कि इस कमरे के अंदर इस तरह के कितने डार्ट्स आ सकते हैं। इस कमरे को आपने इस तरह के डार्ट्स से भरना है, लाखों करोड़ों के हिसाब से नहीं आ जाएंगे। तो मतलब कि आपके पास जो गैसेस होती हैं उनका दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस और वो सब चीजें जो आपके पास होती हैं उनका वॉल्यूम कह सकते हैं आप। अगर आप वो वॉल्यूम ले लेते हैं उस कंटेनर का जिसमें गैसेस फिल हैं, तो वो करोड़ों गुना ज्यादा हो सकता है। लेकिन आप ये काम करते हैं कि उन गैसेस को कंप्रेस कर देते हैं। गैसेस इजीली कंप्रेसिबल हैं, तो आप उनको बिल्कुल कंप्रेस करने के बाद वो सारी की सारी जो गैस होती है उसको आप एक सिलेंडर में डालकर रख देते हैं। बात समझ आ रही है ना? तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास इनका जो डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन आपके पास जो लिक्विड्स होते हैं ये कंप्रेसिबल नहीं होते, ये कंप्रेस नहीं हो सकते, ये बात आप याद रखें। आप ये नहीं कह सकते कि आप हमारे पास ये लिक्विड है तो इसको हम कंप्रेस करें और इसको सॉलिड बना दें। गैसेस को कंप्रेस करके आप उनको लिक्विड फॉर्म में लेके, लेकिन थोड़ा सा आपको टेम्परेचर का भी उसका ख्याल रखना होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप सॉलिड्स को कंप्रेस, लिक्विड्स को कंप्रेस करें और आप सॉलिड्स बना। एनीवेज, डिफिकल्ट टू कंप्रेस, दीज आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, हमने बात करी। मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, जो आपके पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, बहना जिसको हम कहते हैं फ्लो कर सकते हैं। किस वजह से? उनकी मॉलिक्यूल्स की कांस्टेंट मोशन की वजह से, नो डेफिनेट शेप। अब यही वजह है क्योंकि वो हर वक्त मूव कर रहे होते हैं तो इस लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती। डेफिनेट शेप ना होने की यह वजह है कि उसके मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। उसके फ्लो करने की जो वजह है, उसके पीछे जो काज है, वो हमारे पास ये है कि उसके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज्यादा मूव कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे। अगली बात समझ के नहीं। अब इससे एक और चीज भी हम यहां पे ले सकते हैं कि और चीज होती है विस्कोसिटी, जिसको आप कहते हैं क्या? विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी जिसको आप गढ़ापन भी कह सकते हैं, आपको भी डेंसिटी गाढ़ेपन के लिए होती है, लेकिन जो विस्कस होता है, विस्कस लिक्विड्स, विस्कस फ्लूइड्स, जिस तरह हनी है वो मोर विस्कस है देन योर वाटर। द रेजिस्टेंस फोर्स बिटवीन द लेयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड, आपके पास लेट्स से कि आपके पास ये मॉलिक्यूल की एक लेयर है, इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स है, एक और लेयर है यहां पे, ये। अब ये जब आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है वो क्या करेंगी, स्लाइड करेंगी, वो मॉलिक्यूल्स फ्लो करेंगे, तो उसकी वजह से इन दोनों के दरमियान क्या होगी, एक रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट होगी, उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी ऑफ दैट लिक्विड। ये आपने शायद इससे पहले फिजिक्स में पढ़ लिया, नाइन्थ क्लास में फिजिक्स के टॉपिक में था विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। एनीवेज, हमारा जो टॉपिक है वो यहां तक है, तो इस बात में कोई प्रॉब्लम अगर किसी को है तो पूछ सकता है, किसी किस्म का कोई मसला। जल्दी से कोई मसला नहीं, सही हो गया। चले, ये अगर आपने नहीं लिखा तो ऑल पॉइंट बारह था, कौन सा ऑफर नो रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, क्या क्या सर? ये ऑफर नो रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, इसका मतलब यह है कि अगर आप लिक्विड को डिफॉर्म करना चाहें, उसकी शेप को चेंज करना चाहें, तो आपको कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होगी, आप इजीली उसकी शेप को चेंज कर सकेंगे। लेकिन अगर आप सॉलिड को देखें, सॉलिड की शेप को चेंज करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इनके साथ लिक्विड उसकी डिफॉर्मेशन को कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। और गैस के भी कर सकते हैं, गैसेज की भी इजीली कर सकते हैं, उसका भी कोई इश्यू नहीं। उसके लिए जस्ट आपने ये काम करना है कि आपने गैस को या लिक्विड को किसी दूसरे बर्तन में डाल देना,
तो उस बर्तन की शेप बन जाए, सही होता है।